अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी, कल वाले लेक्चर से ऑनवर्ड चलते हैं। एक एग्जाम्पल से लेट्स से पार वैल्यू है 100, कूपन है 12%, अच्छा जी, और रिडीमेबल एट पार 5, और कन्वर्टेबल इनटू ट्वेंटी शेयर्स। या 20 शेयर्स में क्या हो सकता है जी? कन्वर्ट हो सकता है, करंट शेयर प्राइस दे देगा वो, और ग्रोथ इन शेयर प्राइस दे देगा। अच्छा जी, लेट्स से करंट शेयर प्राइस है 4.70, ग्रोथ इन शेयर प्राइस है 5%, रिक्वायर्ड रिटर्न है 10%। कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। पहले ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूं, अगले वाली एग्जांपल आपने करनी हो, सही हो गया? तो सबसे पहले वही लिखेंगे, इयर्स 5 साल है, 5 साल का स्ट्रक्चर बना दिया, और पार वैल्यू 100 है, तो 12% ले पार वैल्यू का, बारह आ गया। नीचे वर्किंग कर ले, रिडम्पशन वैल्यू कितने पे? पार पे 100 पे। कन्वर्जन वैल्यू याद है? कल वाला फॉर्मूला याद है किसी को क्या होता था? एनीवन, किसी को फॉर्मूला याद हो कन्वर्जन वैल्यू का? सबसे एंड पे पढ़ा था कल हमने। याद है ना फॉर्मूला पढ़ा था? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आज की मार्केट वैल्यू इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेस टू पावर एन। नंबर ऑफ शेयर्स है 20, करंट मार्केट वैल्यू 4.7, ग्रोथ है 1.05 रेस टू पावर 5। कितना आता है देखें, तो 20 कर लेना 120। तो रिडीम करोगे या कन्वर्ट कराओ? 100 या 120? कन्वर्ट ना। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। रिक्वायर्ड है 10% है,
ये 3.791 आ गया, 0.621 आ गया। देखिए निकाले मार्क वैल्यू क्या आती है। चेक करें ये आंसर आएगा। ठीक है ओके हो गया। ऐसी एग्जांपल दूं तो कर लेंगे ना आप लोग। प्लीज सॉल्व करें। सॉल्व करें जल्दी से जरा। हाँ जी किसने कर लिया हो। ओके 99.36 आ रहा है ठीक है। 5 साल ही है ना। प्रडम्पशन 100 है। कन्वर्जन वैल्यू कितनी है 25 शेयर × 3.7 कितना बनता है ये।
सुन लें। जी गाइस आंसर ओके है? चलें जी परफेक्ट हो गया, आगे चलते हैं। एक होता है डेट विद वारंट्स, ऐसी ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन अब सारी से देता जाऊंगा, आपने जरा नॉलेज वाली बातें सुनते जाना है। डेट विद वारंट्स होता क्या है, एक पीस ऑफ पेपर, शायद आपके पास ना सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, शायद आप इंटरेस्ट नहीं ज्यादा देना चाहते। जब सिक्योरिटी अच्छी नहीं है और इंटरेस्ट नहीं ज्यादा देना चाहते तो आपका बॉन्ड क्या आसानी से बिक जाएगा। बताएं नहीं, नहीं बिकेगा। तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना ये बॉन्ड है, इसके साथ एक पीस ऑफ पेपर लगा देते हैं, इस पीस ऑफ पेपर को कहते हैं वारंट। इसके ऊपर लिखा क्या होता है, इट गिव्स यू द राइट टू बाय शेयर ऑफ दिस कंपनी इन फ्यूचर। आप कभी शॉपिंग करने जाए ना तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो नॉर्मली नहीं बिकता ना उसके साथ कोई ना कोई फ्री में टी कोई कोई मार्केटिंग के लिए कोई आइटम अटैच कर देते हैं। वो घी लेने जाए उसके साथ चम्मच अटैच हो जाएगा, वो पत्ती लेने जाए उसके साथ बिस्किट अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये एक इसी तरह बॉन्ड के साथ एक राइट अटैच कर दिया कि तुम मेरी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हो एट सर्टन प्राइस। अच्छा हो सकता है तुम्हें राइट दिया जाए तो मेरी कंपनी का एक शेयर 50 रुपए का खरीद सकते हो, लेकिन मार्केट में अभी वो शेयर 30 रुपए का हो, आप नहीं खरीद रहे, लेकिन आपके पास वारंट लिखा होगा ना बस। इसके साथ क्या लिखा है, अच्छा दिस के साथ, दिस कंपनी इन फ्यूचर टू बाय शेयर ऑफ दिस कंपनी इन फ्यूचर। तो वॉरेंट आपको राइट दे देता है कि आप इस कंपनी के शेयर्स फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। हो सकता है अभी जो वॉरेंट है वो कह सकता हो कि ऑप्शन है जी, ऑप्शन टू बाय एट 50 रुपए। हो सकता है अभी शेयर मार्केट में 30 रुपए का, लेकिन कोई मसला नहीं, टाइम है, अगले 5 साल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद शायद शेयर प्राइसेस 50 रुपए से ऊपर आ जाए। जिस दिन शेयर प्राइसेस 50 से ऊपर आ जाएंगे उस दिन मैं बॉन्ड को क्या कर लूंगा, वारंट को क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा, एक्सरसाइज कर लूंगा। तो ये काइंड ऑफ ए स्वीटनर के तौर पे काम करता है ये वारंट जो होता है, ये आपके डेट को अट्रैक्टिव बना देता है। वैसे डेट कोई नहीं खरीद रहा था, लेकिन अब डेट अट्रैक्टिव हो गया, अब सब लोग खरीदना शुरू हो जाएंगे, आज ये डेट हमें, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जिसको डेट विद वारंट कहते हैं। वारंट एक पीस ऑफ पेपर होता है जो बॉन्ड के साथ अटैच हो जाता है, बॉन्ड खुद कन्वर्ट नहीं होता इक्विटी के अंदर, ये जो वारंट है ये आपको राइट देता है आप इतने नंबर ऑफ शेयर्स ले सकते हैं फ्यूचर में फ्री ऑफ, मतलब थोड़े से पैसे दे के। बॉन्ड चेंज नहीं हो रहा, बॉन्ड उधर का उधर ही है, यानी कि कन्वर्टेबल बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड विल स्टे एज अ बॉन्ड, बट इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा राइट टू बाय शेयर्स ऑफ दिस कंपनी एट सर्टेन प्राइस। फायदा हो जाता है, अट्रैक्शन आ जाता है, अट्रैक्शन। ये बिल्कुल ऐसे ही है, कोई दो बंदे खड़े हैं
और दोनों से यूनिट तुम्हें एक जैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो तुम्हें कह रहा है कि यार अगर आप ये वाला यूनिट 100 रुपया महंगा लेंगे ना तो आपको वो एक वाउचर मिल जाएगा जिसमें गाड़ी भी निकल सकती है। आप कहते हैं 100 रुपया भरते हैं यार, हो सकता है गाड़ी निकल आए। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ ए वारंट जो जिसमें आपके पास राइट है, आप इस कंपनी के शेयर फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। आप तभी बाय करेंगे अगर फायदा हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा तो आप बाय नहीं करेंगे, इसको डेट विद वारंट है। फिर नहीं, बॉन्ड ने रिडीम ही होना है, बॉन्ड ने बॉन्ड ही रहना है। आपको अलहदा से एक राइट दिया जाता ठीक है, बॉन्ड कन्वर्टेबल नहीं है, बॉन्ड विल रिमेन विल स्टे एज अ बॉन्ड। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है जीरो कूपन बॉन्ड। और इधर है जी डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अच्छा जी, पार वैल्यू आपके बॉन्ड की है 100 रुपया, लीगल वैल्यू जिसको कहते हैं, जो इशू कर रहे हैं ना वो तुम डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रहे हो, पार से थोड़ा नीचे इशू कर रहे हो, लेट्स से 60 रुपए के ऊपर इशू कर रहे हैं। हाँ, वारंट फॉर सर्टेन टाइम होता है। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या है जी, पार वैल्यू 100 है और आपने इशू कर दिया बॉन्ड 60 रुपए, इंटरेस्ट रेट क्या है जीरो। इंटरेस्ट रेट जीरो, जीरो इंटरेस्ट है, पार वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 60 है, इंटरेस्ट रेट 100 है, तो ये रिडीम होगा जी 800। 60 के ऊपर इशू किया, 100 के ऊपर रिडीम हुआ, रेगुलर इंटरेस्ट कोई नहीं है। कंपनी को क्या फायदा है, कंपनी को क्या बेनिफिट, नो नीड टू पे इंटरेस्ट, ठीक है, ये कंपनी को फायदा है। कंपनी को नुकसान क्या है, हायर अमाउंट ऑफ पेमेंट करनी पड़ेगी ऑल तुम्हें क्या फायदा है इफ यू आर द इन्वेस्टर, मैं बताता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इनकम टैक्स महंगा पड़ता है, यहां इनकम तो जीरो है, यहां कैपिटल गेन है, 60 दे के 100 वापस मिल रहा है। तो देर आर सम इन्वेस्टर जिनको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कम पड़ता है, सम इन्वेस्टर्स वो जनरली पे लोअर टैक्सेस। इसको मैं ठीक कर देता हूं, देर आर सम इन्वेस्टर्स वो जनरली पे देर आर सम इन्वेस्टर्स, बल्कि यूं लिख लेते हैं इसको, इन्वेस्टर कैन सेव ऑन टैक्सेस। ऐसे अगर तुम सैलरी भी कमा रहे हो तुम्हें उसके ऊपर इनकम टैक्स है, अगर तुम लेट्स से डिविडेंड में तुमने इन्वेस्ट किया वह स्टॉक्स में डिविडेंड मिल रहा है इनकम टैक्स है, इंटरेस्ट मिल रहा है इनकम टैक्स, लेकिन यहां इनकम टैक्स आपको पढ़ना ही है, कैपिटल गेन टैक्स पढ़ना है। और कैपिटल गेन टैक्स दुनिया में ज्यादातर क्या होता है, कम होता है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कम होता है, इनकम टैक्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक फायदा हो जाता है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या है, पार 100 है, इशू कहते हैं जिसके ऊपर लोन तुमने रेज किया है, जितने पे लोगों ने बॉन्ड खरीदा है, इसमें इशू प्राइस है थोड़ी कम होती है, लेकिन इतनी कम नहीं जितनी जीरो कूपन वाली सी, लेट्स से 80 रुपए की है। यहां इंटरेस्ट थोड़ा बहुत होता है, अगर नॉर्मल का 10% है तो इसमें 4% इंटरेस्ट हो, ऐसी अजम्पशन ले रहा हूं, कम होता है इंटरेस्ट। यहां दो रिटर्न है, कैपिटल गेन का 100 माइनस 80,
दूसरा रेगुलर इंटरेस्ट है। इसको कहते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड, इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड में तो इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड में इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि बॉन्ड कुछ पैसा आपको कैपिटल गेन पे मिलेगा, कुछ पैसा आपको इंटरेस्ट की शेप में मिलेगा, इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं और डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ओके हो गया। यहां तक कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक होता है यूरो बॉन्ड, इफ अ पाकिस्तानी कंपनी raises funds, बल्कि यूं लिखते हैं, वेफा पाकिस्तानी कंपनी issues bond in foreign country in foreign currency other than the home currency of foreign country. जिस मुल्क में तुम जाके बॉन्ड इश्यू कर रहे हो उसकी करेंसी में नहीं, किसी और करेंसी में अगर इश्यू कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे जी? यूरो बॉन्ड बोलेंगे। लेट्स से पाकिस्तानी कंपनी दुबई गई है, दुबई की करेंसी को बता सकता है क्या? दिरहम। दुबई में जाके अगर तुम बॉन्ड इश्यू करते हो डॉलर में तो उसको क्या बोलेंगे? उसको यूरो बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इसको यूरो बॉन्ड बोलेंगे। यूके में जाके अगर तुम डॉलर में बॉन्ड इश्यू करते हो उसको यूरो बॉन्ड बोलेंगे। यूरोप में जाके अगर तुम पाउंड में बॉन्ड इश्यू करते हो तो यूरो बॉन्ड बोलेंगे। जिस मुल्क में जा रहे हो उस मुल्क के अलावा किसी और करेंसी में बॉन्ड इश्यू करोगे तो यूरो बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, यूरो बॉन्ड की कहानी समझ आई है गाइस? तो तुम अगर यूएई गए हो और धर्म की बजाय तुमने डॉलर में बॉन्ड इशू कर दिया तो वो यूरो बॉन्ड है। वर्ड यूरो से ये मत सोचना हर चीज यूरो में, यूरो में कुछ नहीं है। फॉरेन कंट्री में जाके उसकी करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में बॉन्ड इशू करना यूरो बॉन्ड। रुपीज में नहीं कर सकते, अपनी करेंसी भी नहीं होनी चाहिए ना, अपनी करेंसी भी नहीं होनी चाहिए। हमारा एक मिनट ठहर जाओ ना, ठीक है। मतलब पाकिस्तान इंग्लैंड जाके रुपी में बॉन्ड इशू करेगा ये नहीं है। इंग्लैंड भी जाओगे, एक तो फॉरेन कंट्री जाना, करेंसी दूसरी होनी चाहिए, अपनी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने इशू किया है बाय द वे यूरो बॉन्ड। अच्छा, एक बच्चे ने भी पूछा सर डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब है तुम्हारा बॉन्ड पार से नीचे इशू होगा। अगर पार 100 है तो तुम्हारा बॉन्ड 80 के ऊपर इशू होगा। तुम इंटरेस्ट भी दोगे, थोड़ा इंटरेस्ट दोगे, थोड़ा उसको कैपिटल गेन मिलेगा। कैसे? मैंने तुम्हें एक पीस ऑफ पेपर दे दिया 80 रुपए का, तुम्हें 5 साल बाद वापस कितने करूंगा? 100। तुमसे 80 लिया तो मैं 100 वापस करूंगा, एक रिटर्न ये तुम्हें मिला, प्लस हर साल जो रेगुलर इंटरेस्ट है थोड़ा 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 वो भी तुम्हें मिले। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। सही हो गया हमार? ओके, अब
चले आगे। चलिए परफेक्ट हो गया। कहाँ आया था धनशाल? अदर देन होम करेंसी, होम करेंसी एफ सी बाय होम करेंसी, एफ सी बाय फॉरेन करेंसी। एक अब छोटी छोटी और टर्म्स जरा सुनते रहे। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको सीडीज भी कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स, सर शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? विद इन अ ईयर। ये आप सुहेल, तुम्हारा एक स्टेशन पीछे क्यों है? मैं आगे चला गया हूँ, आप अभी तक पीछे वाला पूछ रहे हो। माइक ऑन करो और पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। कह रहे हो हेलो? अच्छा इंटरनेट कनेक्शन इश्यू है। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आवाज सही आ रही है? अच्छा अब मैं आपको समझाने लगा। यूरोप हूँ, दोबारा सुन, तुम्हारी कंपनी पाकिस्तानी है, तुम पाकिस्तान में हो, अपने मुल्क में पैसा रेज नहीं करना, दूसरे मुल्क में जाके पैसा रेज करना, और जिस भी दूसरे मुल्क गए हो उसकी करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में पैसा रेज करना। इफ यू गो टू अमेरिका तो डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में पैसा रेज कर लो। यूएई गए हो, दिरहम के अलावा किसी और में पैसा रेज कर लो। यूरोप में गए तो यूरो के अलावा किसी और में पैसा रेज कर लो। इसको यूरो बॉन्ड कहते हैं। अपनी करेंसी में भी नहीं करना, जिस मुल्क में जा रहे हो उसकी करेंसी में भी नहीं करना, उसके अलावा किसी करेंसी में करना। और रुपये में रेज करना हो तो लोकल बॉन्ड बन गया ना, यूरो बॉन्ड नहीं होगा ना फिर वो। ठीक नहीं, इंटरनेशनल करेंसी में पैसा रहे, हमार डॉलर में पैसा रेज करना है ना पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ने तेल की कीमत, तेल पे करना है, तेल के लिए पैसे पे करने हैं, किसमें पैसे चाहिए? डॉलर में। पाकिस्तान ने अगर लेट से आईएमएफ को पेमेंट करनी है तो किसमें पेमेंट करनी है? डॉलर में। रुपया कौन खरीदेगा? हमें तो कोई भी चीज खरीदनी है, हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, ये रीजन है। अच्छा जी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स। बैंक के पास जाते हो, ये इन्वेस्टर है, तो बैंक उसको एक पेपर दे देता है, इसके ऊपर लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तुम ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट मार्केट में भी बेच सकते हो और बैंक को रिडीम भी कर सकते हो। इसकी दो टाइप्स होती है, एक होता है निगोशियबल, होता है नॉन निगोशियबल। निगोशियबल का मतलब क्या है? यू कैन ट्रेड इट एंड सेल इट इन मार्केट।
नॉन निगोशियबल का मतलब क्या होता है? कैन ओनली रिडीम फ्रॉम बैंक, ये सिर्फ बैंक को ही बेच सकते हो, बस बाहर नहीं बेच सकते। इसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। सही है जी, ओके। हाँ, बैंक फाइनेंस रेस कर रहा, हम इन्वेस्टर, हम इन्वेस्टर, बैंक पैसा रेस कर रहा। सही हो गया, आगे चलते हैं। आगे जी टी बिल, ये गवर्नमेंट पैसा रेस करेगी अब, टी बिल्स। पाकिस्तान में कहते हैं पीआईबीस, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। अच्छा, टी बिल होता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बिल्स। पीआईबीस होता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड। ये कौन इश्यू करता है? टी बिल इश्यूड बाय गवर्नमेंट, इसका मतलब पैसा रेज गवर्नमेंट कर, इश्यूड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट पैसा रेज कर रही है, पीआईबीज में और टी बिल। टी बिल में शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पीआईबीज में लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 5 साल 10 साल 15 साल के लिए। ठीक हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन, यहाँ तक किसी का हो तो प्लीज पूछ ले। लीज पढ़ा हुआ आपने? लीज बोथ आर सेम नहीं है भाई, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। अली अच्छा जी, एक्विटी और डेट में मेजर मेजर कंपैरिजन कर लेते हैं, एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं एक्विटी और डेट के। एक्विटी में क्या होता है? एक्विटी के मैं फीचर डिस्कस कर रहा हूँ सारे। पहले तो कंपनी के लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, कंपनी एक्विटी क्यों इशू करे, रीजन बता सकता कोई? कंपनी को एक्विटी इशू करती है तो फाइनेंस रेज करने के लिए डेट भी तो है ना, एक्विटी क्यों से रेज क्यों करते हैं? कंपनी की ऑनरशिप नहीं है भाई, नो नीड टू पे फिक्स डिविडेंड एवरी ईयर। फिक्स डिविडेंड ही देना पड़ता, मर्जी है हमारी, और क्या फायदा कंपनी को? शेयर होल्डर कैन नॉट लिक्विडेट द कंपनी, शेयर होल्डर कंपनी को लिक्विडेट नहीं कर सकता। डेट होल्डर को अगर तुमने इंटरेस्ट ना दिया, वो कंपनी को बंद करवा सकता है, रिसीवर अपॉइंट करा सकता है, वो कंपनी को बंद करा सकता है। By appointing receiver.
रिसीवर का मतलब समझते हैं क्या होता है? बैंक को आप कहेंगे कि भाई ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, डेट होल्डर। बैंक एक बंदा अपॉइंट करेगी, वो बंदा कंपनी की वैल्यू लगाएगा और कंपनी को भेज देगा। शेयर होल्डर नहीं कर सकता, ये डेट होल्डर कर सकता। ठीक है। अच्छा, डेट कंपनी क्यों इश्यू करती है? ये चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेट कंपनी क्यों इश्यू करती है? कंपनी को टैक्स सेविंग मिलती है इंटरेस्ट के ऊपर। डेट कंपनी क्यों इश्यू करती है? इन केस ऑफ हाई प्रॉफिट देयर इज नो नीड टू पे हाई इंटरेस्ट। टैक्स सेविंग्स है, टैक्स सेविंग्स। ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाई है आपने, इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट माइनस करते हो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले। तो जब इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है। कम प्रॉफिट के ऊपर टैक्स क्या देना पड़ता है आपको? कम देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, तुम्हें क्या फायदा, इन्वेस्टर को क्या फायदा एक्विटी में? दे हैव कंट्रोल ऑफ कंपनी। दे हैव डिसीजन मेकिंग पावर। कल परसों एलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि उसने ट्विटर के शेयर्स ले लिए, तो कंट्रोल आ गया उसके पास, उसके बाद डिसीजन मेकिंग की पावर आ गई। दे कैन पार्टिसिपेट इफ कंपनी अर्न्स अ हायर प्रॉफिट। डेट होल्डर को क्या फायदा है? फिक्स रिटर्न even if company is facing loss। ये फायदा है। they can appoint receiver if company unable to pay। ठीक है, ये रिसीवर पॉइंट कर सकते हैं कंपनी पे, केस कर सकते हैं कि भाई पैसा दो हमारा वरना हम जा रहे हैं, मतलब वरना कंपनी बंद कर देंगे, कंपनी बंद कर देते हैं। ठीक है, ओके हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट आते हैं इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस पे बारी बारी पढ़ते हैं सारे। पहले जो सबसे आसान वाला है ना वो देख ले। एक है मुदारबा। मुदारबा में क्या होता है? एक होता है इन्वेस्टर, इसको कहते हैं रबुल माल। एक होता है मुदारिब, उसको कहते हैं मैनेजर। ये रबुल माल है,
मदारे पे इन्वेस्टर बिजनेस में डालता है पैसे, मैनेजर बिजनेस में डालता है स्किल्स, मिलके बिजनेस चलाते हैं। जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो प्री एग्रीड रेशो से शेयर हो जाता है। प्री रेशो, और अगर बिजनेस में लॉस आए तो लॉस अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट है, जिसने जैसी इन्वेस्टमेंट की होगी उसको लॉस भी वैसा ही मिलेगा। लॉस अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रॉफिट होगा एग्रीड रेशियो से। अब जिसने इन्वेस्टर ने पैसा डाला है उसको पैसे का नुकसान है, मैनेजर ने स्किल्स डाले उसको स्किल्स का नुकसान। अब माइंड में आता है सर स्किल्स का क्या नुकसान होता है, स्किल का नुकसान ये होता है कि उसको नेक्स्ट नौकरी नहीं मिलेगी, नेक्स्ट कोई कंसल्टेशन के लिए प्रॉफिट वो प्रोजेक्ट नहीं देगा, उसको मसले होंगे। तो मुदारबा की एग्जांपल क्या है, ये जो शेयर्स है ना एक्विटी वो मुदारबा की एग्जांपल है। इन्वेस्टर कौन होता है, शेयर होल्डर कौन होता है, रबुल माल। डायरेक्टर कौन होते हैं मुदारे, मार वो लॉस के केस में अगर कैश का लॉस है ना तो वो सारा इन्वेस्टर का है, ठीक है। मुदारिब का लॉस यही होगा कि उसको उसकी जॉब चले जाए, नौकरी चले जाए, रेपुटेशनल लॉस है, उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला करेगा, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उसका बस यही लॉस है। हाँ एक चीज और, एक चीज समझे, इसमें नेग्लिजेंस के ऊपर तुम उसके ऊपर केस कर सकते हो, उसने जानबूझ के किया, नेगलिजेंस का केस हो सकता है, फ्रॉड का केस हो सकता है। ये नहीं वो फ्रॉड भी करके बैठ जाए तुमको, नहीं यार उसका तो कैश का नुकसान नहीं हो रहा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्मूथ बिजनेस में अगर लॉस आ जाए उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा जो बैंक के सेविंग अकाउंट्स होते हैं ना वो भी मुदारबा की एग्जाम्पल है। बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे कौन डालता है बताएं, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होगा, रबुल माल, और बैंक उसको मैनेज करता है तो बैंक कौन होगा बताएं, इस्लामिक बैंक से बात कर। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, एक है मुशारका, ये शिरकत से निकला, शरीक से, जिसका हमने नहीं वो बचपन से एक वर्ड सीखते हैं कि मुशरकीन, मुशरक एक हम वर्ड सीखते हैं जो अल्लाह ताला के उसमें शरीक कर देता है, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। शरीक का मतलब होता है जो पार्टनर्स को कहते हैं, पार्टनरशिप। नहीं स्मूथ बिजनेस से लॉस आ जाए फिर मुदारिब को कुछ नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा आप उसको निकाल सकते हो, बस नेग्लिजेंस प्रूव करनी पड़ेगी ना आप। मुशारका में पार्टनर्स पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप। इसमें लेट से दो इन्वेस्टर हैं, ये बिजनेस है, ये बिजनेस में स्किल्स भी डाल रहे हैं पैसा भी डाल रहे हैं, ये बिजनेस में स्किल्स भी डाल रहे हैं भी डाल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि यहां कोई साइलेंट इन्वेस्टर नहीं हो, एक्टिव इन्वेस्टर है। जो प्रॉफिट होगा वो एग्रीड रेशियो से शेयर होगा, जो लॉस है वो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है यहां तक देखें, प्लीज कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें।
ठीक है, एक और टर्म है उसको कहते हैं मुरहबा। मुराबहा, अमार ये तो बड़ा जनरल क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, क्या कोई किसी दूसरे पे केस कर सकता? मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, मेरे पे केस कर सकते हैं, केस करना तो मुश्किल ही नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में यही तो काम है, किसी को कोई मसला हो केस कर दो। क्वेश्चन पूछा एक स्टूडेंट, डज एवरी पार्टनर इन्वेस्ट इन इक्वल अमाउंट? नो, वन पार्टनर कैन हैव द पार्टनरशिप रेशियो लाइक 0.01%, अदर 99.99% भी कर सकता है, पार्टनरशिप कुछ भी हो सकती है। अच्छा जी, मुराबा में क्या होता है, जरा थोड़ा सा टेक्निकल जरा देखिए, ये आपकी कंपनी है, ये बैंक है, आप बैंक के पास आते हो, आप कहते हो भाई मुझे पैसे दे दो, कैश चाहिए। कैश क्यों भाई, कैश क्यों चाहिए? मैंने इन्वेंटरी बाय करनी है। ये इस्लामिक बैंक था, लेट्स से इस्लामिक बैंक कहेगा देखो मैं तुम्हें कैश नहीं दे सकता, क्योंकि कर्जा तो मैं दे ही नहीं सकता, हाँ तुम्हें इन्वेंट्री चाहिए, काम करता हूँ, सप्लायर से मैं खुद इन्वेंट्री खरीदता हूँ, लेट्स से 100 रुपया कैश दे, और तुम्हें वो इन्वेंट्री रीसेल कर दूंगा, 20 रुपये, और तुम मुझे क्या कर देना, आराम आराम से पेमेंट कर देना 6 months। इसको मुराबा कहते हैं, मुराबा आसान जुबान में मुराबा को कहते हैं ट्रेड क्रेडिट, उधार के ऊपर ट्रांजेक्शन करना, ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। तो इस्लामिक बैंक खुद खरीदेगा इन्वेंट्री, लेट से 100 की, तुम्हें 150 की, 140 की, 130 की, 110 की, जो भी आपस में डिसाइड होगा उसके ऊपर बेच दे, और तुम उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट करते रहो। ओके अच्छा, प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट होता है, प्रैक्टिकली ऐसे होता है, प्रैक्टिकली देखिएगा, कंपनी है, बैंक कंपनी को बनाता है अपना एजेंट, एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ बैंक खुद बाय करता है सप्लायर्स, विल बाय ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, ये दूसरा स्टेप। अच्छा जी, गुड्स आ गए, जब गुड्स आ गए कंपनी गुड्स यूज नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी गुड्स की मालिक ही नहीं है, मालिक कौन है, बैंक है। तो बैंक का बंदा जाएगा गुड्स की पोजीशन, पोजेशन लेगा गुड्स की, ऑनरशिप लेगा, कंट्रोल लेगा, और साथ ही फिर क्या करेगा, बेच देगा। थर्ड स्टेप क्या था, कंपनी विल रिसीव गुड्स बट कैन नॉट यूज। फोर्थ क्या था, बैंक विल टेक पोजेशन ऑफ गुड्स। फिफ्थ स्टेप क्या है, बैंक विल रीसेल इट रीसेल गुड्स टू कस्टमर टू कंपनी एट प्रॉफिट। ये बराबर होता है, तुम कंपनी को अपना एजेंट बना लेते हो, एजेंट को कहते हो खुद ही खरीद, एजेंट मार्केट से खरीदता है, ठीक है, लेकिन वो एजेंट है वो यूज तो कर नहीं सकता, तो बैंक उसकी जाके पोजीशन लेता है, ओनरशिप लेता है, और फिर क्या करता है, फिर एजेंट को यानी कि सॉरी कंपनी को बैंक सेल कर देगा, और ऐसा ऐसा उससे पैसे आते रहेंगे जो भी आपने तय किया हो। ठीक है, ओके, यहां तक गाइस।
कोई एनी अदर क्वेश्चन? आखिरी एक रह गया है जिसको कहते हैं इजारा। इजारा क्या है? रेंटल एग्रीमेंट। इजारा क्या है जी? रेंटल एग्रीमेंट। रेंटल एग्रीमेंट में क्या होता है? तुम बैंक के पास जाते हो और कहते हो मुझे गाड़ी चाहिए। बैंक क्या करेगा? बैंक विल बाय एसेट और तुम्हें किसके ऊपर दे देगा? रेंट के ऊपर। तुम क्या हो? तुम लेसी हो। इजारा क्या है? इट्स अ रेंटल एग्रीमेंट। आप जाके मेरा गाड़ी लेनी है। कहां से लेनी है? इस्लामिक बैंक से। तुम इस्लामिक बैंक के पास गए। इस्लामिक बैंक क्या करेगा? इस्लामिक बैंक गाड़ी इस्लामिक बैंक ने खरीदी होगी, वो तुम्हें रेंट के ऊपर दे देगा। तो आप देखो सर फर्क क्या है, यहां फर्क क्या है? यहां जो बैंक होगा उसको कहते हैं लेसर। लेसर कहते हैं जो एसेट प्रोवाइडर होता है। लेसर विल ऑन द एसेट। लेसर ऑन करता है, ठीक है। ऑनरशिप में किसकी होगी? लेसर। लेसर विल बियर रिस्क एंड रिवॉर्ड। हाँ, इस्लामिक लीज इज मोर लाइकली ऑपरेटिंग लीज। बस फर्क क्या होता है? एट द एंड लेसर कैन ट्रांसफर एसेट टू लेसर। जो ऑपरेटिंग लीज के फीचर है ना, वो असल में इजारा के फीचर होते हैं। Similar to operating lease. इसको जा रहा है। बस आपको सिंपल सिंपल चीजें बातें पता होनी चाहिए। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो अमार ऑनरशिप में किसकी एसेट है इजारा में, ये बताओ। लेसर की। लेसर की तो रिस्क एंड अवार्ड भी वही बेयर करेगा ना, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज में किसके नाम पर एसेट होता है? लेसर ना, वही बेयर करता। चले जी, अब ये देख लीजिए, नोट्स आपके पास हैं। पेज नंबर 123, 124, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये भी कर लिया मैंने। अच्छा, ये अदर कॉमन सोर्स ऑफ फाइनेंस से पहले पहले कर गया ना, 132 मिड ऑफ 132 तक कर गया ना, मिड ऑफ 132 तक। नहीं, जैन इस्लामिक इस्लामिक फाइनेंस में ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज होती नहीं है, एक ही लीज है बस, ये वाली जिसमें ज्यादातर फीचर ऑपरेटिंग लीज के, एक फीचर फाइनेंस लीज वाला के एंड के ऊपर आपने एसेट ट्रांसफर कर देना। ठीक है, पढ़ाएंगे सारे पेजेस। कोई 10 पेज बनते हैं, 10। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा एवरीवन। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। अगर अली, अगर आपने कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, मुझे सेपरेट वॉइस नोट भेज दो। रीड करना है, रीड करना है निम्रा, रीड करना है बस।